सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हाँ जी थोड़ा थोड़े अपने ही प्यारे यूट्यूब चैनल आरके स्टडी एग्जाम दे विच। सो दोस्तों, सो तुहाने तुहाडा दिल तो धन्नवाद करदा। सो तुहाने जो करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की सी आपां ने, सो बहुत ज़्यादा प्यार दिता। सो सब ने अपने फर्ज निभाया, सब ने वीडियो शेयर की है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मैंने मेल भी भेज दी सी, सो स्क्रीनशॉट करके। सो गाइस, सो मैंने इन्ना तो थोड़े विश्वास से कि तुम शेयर जरूर करोगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच इन्ना प्यार देने के लिए। तो गाइज, इस वीडियो के आप सो पटवारी एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर के नाल कुछ क्वेश्चन डिस्कस करा, ठीक है। सो 200 के 250 के क्वेश्चन लगभग होने, तो इन्हों क्वेश्चन ध्यान देना वेख लियो। तो क्वेश्चन करंट के भी ऐड हो, ठीक है। तो कुछ क्लासा अपन पहल भी हो चुकी ने, तो आप सारी जो कट्ठी क्लासा करके हूँ एक क्लास के अटेंड कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इस वीडियो ध्यान देना वेख लियो, सारी जो एग्रीकल्चर है सो इस डिपेंड हो जाएगी। तो तुम्हें जो एक्सट्रा जानकारी देंदे रहेंगे, ठीक है गाइज। तो तुम टैलीग्राम चैनल जुड़ सकते हो, सो टैलीग्राम चैनल का लिंक आई वो डिस्क्रिप्शन दिता हुआ है, ठीक है। सो वीडियो ध्यान देना वेख लियो, तो पूरे बीएनएसचे तो हो सकते हो तुम। सो पटवारी एग्जाम को लैके, ठीक है, 2-3 दिन रह गए, तो बस ये वीडियो थोड़े लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा एक नंबर ही थोड़ा सिलेक्शन करवा सकती है, तो एक नंबर ही रुकवा सकती है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट कोई सो अज की क्लास में आप स्टार्ट करते हैं। फस्ट क्वेश्चन है अपने कोल, ओह मिट्टी जिस विच खादा की घट तो घट वरतों की जरूरत होंगी है। तो इंग्लिश दे विच दिता गया है, सो इंग्लिश दे विच भी तुसी रीड कर सकते हो। सो राइट आंसर है गाइज इसका ऑप्शन नंबर ए, जलोड़ मिट्टी, ठीक है गाइज। सो जलोड़ मिट्टी है जिसनों की खादा की घट तो घट वरतों की जरूरत होंगी है। तो जो जलोड़ मिट्टी है ये नदियों द्वारा लेंदी गई मिट्टी आप जलोड़ मिट्टी कहने, तो इसनों होर किस नाम जाने जाता है, सो इसनों दोमट जां आप कछार मिट्टी कहने, ठीक है, उस नाम मिट्टी नाल भी जाना जाता इसनों। तो इस मिट्टी है जो उत्तरी मैदान के पाई जाती है, इस मिट्टी के पोटाश के नाइट्रोजन की मात्रा घट होती है पर जो फास्फोरस की मात्रा होती है वह वध होती है, सो जलोड़ मिट्टी के, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सो याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं, खेती नूं केड़ियां दो मुख किस्मां दे विच वंडिया जा सकता है। सो खेती नूं गाइस, सो एग्रीकल्चर नूं दो किस्मां दे विच वंडिया जा सकता है, सबसिस्टेंस फार्मिंग ते कमर्शियल फार्मिंग। सो पंजाबी दे विच की कह सकते आपां, सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब निर्भरता, ठीक है, जो कि आपां खेती निर्भर होंने आ, सो उसकी गल करिए। ते कमर्शियल सो व्यापारिक, ठीक है, मतलब की है, सो निर्भरता फार्मिंग खेते अपने कोल व्यापारिक कमर्शियल, ठीक है, फार्मिंग आ गए जो। तो जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है गाइस, सो इस दे विच की हुंदा है, सो इस दे विच जो कोई किसान है जो अपनी फसल है, ठीक है, जो अपनी फसल सिर्फ परिवार की लोड़ा पूरी करने के लिए उगाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर ज्यादा लोड़ा निर्भर नहीं करते, सो होर कामों यूज नहीं करते, सिर्फ अपने परिवार की लोड़ा पूरी करने के लिए सो निर्भर रहते हैं, ता करके इसनों सबसिस्टेंस कहेंगे, सो निर्भर, ठीक है, जिहड़ी खेती सो अपने घर के कामों पर निर्भर हो, सो सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग वह खेतीबाड़ी है जिस दे विच सो बिक्री लिए फसलों का जो बड़े पद्धर से उत्पादन किया जाता है, ठीक है, तो जिन्हें कटाई करके सो मंडिया वगैरह सो शहरों वगैरह में बेचा जाता है, सो बड़ा उत्पादन किया जाता है, वह आ जाती है कमर्शियल, जिस तो पैसा वगैरह जो मतलब कि वटिया जा सकता है, सो उसनों आप कमर्शियल फार्मिंग कह दें। सो राइट आंसर कि होएगा इसका, सो बोथ ए एंड बी, ठीक है गाइस, सो बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर होएगा। तो याद रखना, सो दो किस्म के वंडिया जा सकता है, सबसिस्टेंस फार्मिंग ते कमर्शियल फार्मिंग, पंजाबी दे विच निर्भरता ते कमर्शियल का मतलब है व्यापारिक। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं, वह फसल जिस लई वर्षा की एक बड़ी मात्रा की जरूरत होंदी है पर उस विच पानी खड़ा ना रहे। सो ये क्वेश्चन 5-7 बार वारी जो क्वेश्चन के पंजाब के एग्जाम पूछे जा चुके है, तो तुम्हें इसका आंसर भी पता लग गया होना। सो आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, चाह, ठीक है। सो चाह की फसल है जो गाइस, सो वर्षा की तो इन लोड़ होंगी है, बट इस होंगे भी पानी इस खड़ा ना रहे, ठीक है, जो आप पौड़ी नुमा खेत के दें। सो ज़्यादातर जो चाह की खेती कितने की जाती है, असाम की जाती है। तो इस एक इंपॉर्टेंट होर भी गल है गाइस, जो कि असाम है यह कला ही भारत के सो अद्धे तो वध चाह का उत्पादन करता है, ठीक है। तो जो इसकी कास्त है वह ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी की जाती है। सो ये क्वेश्चन बन जाता कई बार, सो जी इसकी कास्त है जो चाह की, सो कितने की जाती है, सो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी की जाती है। तो कई बार जो असाम के नाम लैके सो जिले का नाम याद रखियो, सो विश्वनाथ चराली जिला जरा, सो सब तो वह चाह पैदा होंगी असाम की, विश्वनाथ चराली, तो ये याद रखियो, विश्वनाथ चराली। सो यह असाम का डिस्ट्रिक्ट है, जिला जिथे सब तो वह चाह पैदा होंगी है असाम के, होंगी वैसे तो
ज़्यादातर आप आसाम में लेने, बट ये जिला नोट किया गया जिससे सब तो वह चाय पैदा होंगी है। ठीक है भाई, आई होप समझ लग गया होगा। वेखते हैं नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन, इन्हां विचों खेतीबाड़ी मंडीकरण की उच्चतम संस्था कीड़ी है? तो जो गाइज पूछे गए मंडीगढ़ खेतीबाड़ी के, सो उच्चतम संस्था की गल हुई है। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होएगा, नाफेड़ का। ठीक है, सो नाफेड़ जो खेतीबाड़ी मंडीकरण के सब तो उच्चतम संस्था मनी गई है। तो गल हुई है नाफेड़ की, सो इसकी फुल फॉर्म पहला आप सो पता कर लिए। सो फुल फॉर्म है इसकी नैशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सो दोबारे सुन लो, नैशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गाइस जो इसकी स्थापना सी वो गांधी जयंती के शुभ दिहाड़े से 1958 की गई सी। तो जो गांधी जयंती कदों मनाई जाती है, 2 अक्तूबर को। ठीक है, सो 2 अक्तूबर 1958 इसकी स्थापना की गई सी। तो जो नाफेड़ का हैडक्वाटर है, जो दफ्तर कितने है, दिल्ली के विच है। तो जो इसके चेयरमैन ने, सो कौन ने, विजेंद्र सिंह नाफेड़ के, विजेंद्र सिंह इसके चेयरमैन ने। तो गाइस जो नाफेड़ के 4 खेतरी दफ्तर भी होंगे ने, सो भी ऑप्शन के कई बार आ जाते हैं उन्होंने। ठीक है, सो क्वेश्चन कभी बन के आएगा, सो नाफेड़ के 4 खेतरी दफ्तर कि ने। ठीक है, सो तू तना होर दिते जाएंगे तो उन्होंने एक पूछा जाएगा थोड़े को, कि वो एक तो है दिल्ली, तुम ये नोट कर लियो, दिल्ली, मुंबई, ठीक है, चेन्नई, तो फोर्थ है कोलकाता। ठीक है, सो ये 4 जो खेतरी दफ्तर ने नाफेड़ के, नोट रखियो। सो इन क्वेश्चन बन सकता है जी भी आप जानकारी नोट रख रहे हैं, सो ना डिस्कस कर रहे हैं, सो इन्होंने नोट कर लियो। ठीक है गाइस, नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं, किस प्रणाली में दरख्त ने जो एक समान ते कोने दे कोने विच लगाए जाते हैं? तो गाइज सो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा जो पटवारी एग्जाम के पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सो एग्रीकल्चर रिलेटेड। ठीक है, सो थोड़े जे डीपली पूछे जाते हैं, तो इन्होंने क्वेश्चन जरूर गौर करो। तो गाइज जो कि इन पूछे गए प्रणाली भी दरख्त जो एक समान तिकोने कोने के लगाए जाते हैं, तो उस प्रणाली कहने आप हैक्सागोनल सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सो किमें गाइज, जिमें कि जो 6 दरख्त होंगे ने, सो उन्होंने मध्य विचकार एक 7वां दरख्त लगाया जाता है, सो जिस दे नाल हैक्सागोनल सिस्टम प्रणाली बनती है। सो किमें देखो, ये शायद 6 दरख्त लग गए। ठीक है, तो इन दाले जो मध्य में 7वां दरख्त लगता है, सो इन्हें सारे के नाल उस तो बाद बनाते हैं, ये हैक्सागोनल सिस्टम बनाते हैं। तो यही सिस्टम दसा गया इतने अपनों, सो उस की गल हुई है। ठीक है, याद रखियो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, सो एग्जाम के लिए। किसनों आधुनिक खेतीबाड़ी का पिता कहा जाता है? सो मॉडर्न की गल हुई है गाइस, मॉडर्न एग्रीकल्चर के जो खेतीबाड़ी का पिता कहा जाता है, फादर, सो नाम है गाइस उन्हों का ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मन एरनेस्ट बोरलांग। ठीक है, नॉर्मन एरनेस्ट बोरलांग ने जो कि आधुनिक खेतीबाड़ी के पिता मने गए हैं। तो गाइस जो कि यह ने नॉर्मन, सो इन्हों 1970 के नोबल शांति पुरस्कार मिल चुके है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन कई बार बन जाता है, सो 1970 के नोबल शांति पुरस्कार मिले से इन्हों। तो एक कोई ऑप्शन अपने को, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हो, एम एस स्वामीनाथन। सो ये भारत में हरी क्रांति के पिता वजो जाने जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन, तो यह तो तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, बट इन्हों का नाम याद रखियो, सो नॉर्मन एरनेस्ट बोरलांग आधुनिक खेतीबाड़ी के पिता ने यह। नैक्सट क्वेश्चन, सिंचाई अधीन सब तो वध रकबे वाला राज जो इन कि है? सिंचाई की गल हुई है गाइज, जो कि सब तो वध रकबे वाला राज है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपना पंजाब है। ठीक है, पंजाब का है गाइज, तो इसके अधीन जो किन्नी फीसदी सिंचाई के अधीन आता है, सो ये आता है 98.8%। ठीक है, सो 98.8% जो पंजाब के सिंचाई के अधीन आता है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सो याद रखियो क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सो इसकी फुल फॉर्म है गाइज CFTRI की, ये कितने स्थित है? तो इन्होंने रिलेटेड भी तुम्हें, सो एक क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के, गाइज जो भी जो संस्था होंगे ने। ठीक है, सो इन्हों ने कोई जरूर वेख लियो, तो यह है गाइज मैसूर के, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होएगा। सो CFTRI इसकी, सो इसकी फुल फॉर्म दी गई है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सो पंजाबी दे विच लिख दिता, सो इसकी फुल फॉर्म, सो यही फुल फॉर्म है याद रखने, सो CFTRI की। तो इसकी जो संस्था है, मतलब कि कितने लोकेटड है, मैसूर के स्थित है। ठीक है,
नैक्सट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस ने एग्जाम के। पुदान ग्रामदान लहर किसके द्वारा आरंभ की गई सी? वेखो गाइज, जो कि पुदान ग्रामदान लहर है, सो यह जो अपने आचार्य विनोबा भावे सी, सो उन्होंने द्वारा की गई सी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होएगा। तो गाइज, जो इसकी शुरुआत सी 1951 दे विच हुई सी, तां मैं तुहानूं समझाउणा सो ये पूरा की सी, पुदान ग्रामदान। इस दे विच गाइज जो आचार्य विनोबा भावे सी, ठीक है, सो उन्होंने द्वारा आरंभ किए गए ये पुदान योजना आरंभ पालना करदे सो आसाम सरकार ने 2 एक्ट लागू की सी, ठीक है, जो कि यह पुदान ग्राम लहर है, ठीक है, इस जो पालना करदे दो आसाम सरकार ने 2 एक्ट लागू किए सी, तो कड़े कि पहला सी आसाम ग्रामदान एक्ट 1961 दे विच, ठीक है, जो कि आप ग्रामदान पढ़ रहे हैं, आसाम ग्रामदान एक्ट 1961 दे विच किया सी। ते दूसरा सी गाइस, ये पहला सी, दूसरा पुदान वाला आसाम पुदान एक्ट 1965 दे विच। सो ये 2 एक्ट पास किए सी, ठीक है, पहला हैगा इस 1961 वाला आसाम ग्रामदान एक्ट 1961 दे विच पास किया सी, ते दूसरा आसाम पुदान एक्ट 1965 दे विच। सो ये 2 एक्ट याद रखने ने, ठीक है। सो आचार्य विनोबा द्वारा द्वारा ये लहर शुरू की गई सी 1951 दे विच, तो इसको जरूर याद रखना है, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों केड़ी एक फाइबर की फसल है? फाइबर क्रॉप। सो इन कि ऑप्शन के विचों, सो राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर बी गाइस, जूट की, ठीक है। सो जूट की जो एक फाइबर की फसल है ये, तो इन्हों याद रखियो। सो बाकी तुम्हें पता ही होना रबर टमाटो सो कॉफी तो अड्डा के, सो फाइबर की फसल पूछा सी, तो जूट इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं, हेठ लिखियां विचों केड़ा एसिड वारिश द्वारा पैदा होंदा है? तो जिहड़ा एसिड गाइस वारिश द्वारा पैदा होंदा है, सो आपां 10th क्लास की 9th बुक्स के पढ़ते होंगे सी, आपां जो 9th जो 10th क्लास के होंगे सी, ठीक है। सो वारिश द्वारा जो एसिड पैदा बनता सी, वह दो सो एसिड द्वारा बनता सी, सो कि गई सो, सो पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, तो सैकेंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। सो इन दोनों के नाल ही सो वारिश द्वारा जो एसिड बनता सी, तो राइट आंसर कि होगा ऑप्शन नंबर डी होएगा, ए है बी दोवें, ठीक है, इकट्ठे भी इकट्ठे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन भी सीधा दिते होंगे ने इस तरह ही, तो ये याद रह जाएगा जी। सो आसान है बिल्कुल याद रखना, तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो सो एसिड जो वारिश द्वारा पैदा होंगे ने सल्फर डाइऑक्साइड तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। नैक्सट क्वेश्चन, इन्हां विचों किस कीटनाशकों उत्ते भारत दे विच पाबंदी लगाई गई है? तो वह कीटनाशक है गाइस DDT, सो ऑप्शन नंबर बी विच वेख रहे हो, ठीक है। बहुत चिर पहला इसते रोक लगाई सी भारत सरकार द्वारा, तो जो कीटनाशक है गाइस DDT, ये 1999 सो खेतीबाड़ी वरतों पर पाबंदी लगाई गई सी, ठीक है, जो कि यह एंटी मरेलियर वजों वरतों इसकी घट कटाई गई सी इसकी वरतों, ठीक है। तो इस पेपर के सो DDT की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, तो DDT की फुल फॉर्म की होंगी है, सो इस जरूर नोट कर लियो। सो इसकी फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, ठीक है, मैं दोबारे दस देना तुम्हें नोट कर लो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, सो इसकी फुल फॉर्म है, तो यह पेपर भी पूछी जा सकती है, सो इन्हें जरूर नोट रखना, ठीक है गाइस। तो वध्या नैक्सट क्वेश्चन के वाल आप, नैक्सट क्वेश्चन, किसने राष्ट्रीय खुराक सुरक्षा एक्ट है जो लागू करने का ऐलान किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैं पहले ही दस दिना, यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय खुराक सुरक्षा एक्ट से गाइस, सो ये लागू करने का ऐलान किया प्रणब मुखर्जी, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होएगा, ठीक है। तो गाइस जो 6 जुलाई, सो डेट याद रखियो, 6 जुलाई 2009 प्रणब मुखर्जी ने सो राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट लागू करने की घोषणा की सी। तो जेकर पूछ लिया जाए कि जो ये एक्ट से सब तो पहला किहड़े राज ने सो ये बनाया सी एक्ट, तो उसका नाम है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज है, सो जिसने कि यह एक्ट बनाया सी राष्ट्रीय खुराक सुरक्षा एक्ट, तो यह क्वेश्चन भी बन जाता है, सो इस जरूर याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर का मतलब की है? सो गोल्डन फाइबर मीनस की है, ये गाइस पर्सन, सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम के पूछे गए, सो पिछली बार पटवारी एग्जाम के पूछे गए, सो गोल्डन फाइबर का मतलब कि इसका पर्सन, तो बहुत सारी बार ये
अपने जो पंजाब के एग्जाम हुए हैं उन्होंने भी पूछे गए क्वेश्चन ये। सो आवें क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया तो याद रखियो इसनों। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल, हेठां विचों किस खेत्र नूं भारत दा चावल दा कटोरा कहा जाता है? सो गाइस इत्थे हुई है सो बाउल ऑफ राइस ऑफ इंडिया, ठीक है। सो एरिया की गल हुई है खेत्र की, तो वह खेत्र है गाइस कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। सो कृष्णा गोदावरी डेल्टे को भारत दा चावल दा कटोरा कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन तो याद रह जाएगा, ठीक है। सो अपनी निगाह दे विच बहुत वारी आया हुआ था क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखिया विचों किहड़ी एक नगदी फसल है? तो गाइस कैश क्रॉप इन दे विचों किहड़ी फसल है? सो तुहानू फसलों नूं वेख के पता लग गया होना, सो फसल है तंबाकू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। सो ज़्यादातर जिदा आप लाभ व्यापारक तौर पर आप लाभ लेने, सो कैश क्रॉप्स, सो नगदी फसल है तंबाकू। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होएगा, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं, आप पहली बार फ्लैक्स पौधे तो विज्ञानियों द्वारा किहड़ा कपड़ा तैयार किया गया है? तो मैं तुहानू स्टार्टिंग भी दसदा जी वीडियो के कि इस कुछ क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर के सो करंट के ऐड हुए हैं, ठीक है। सो उन्हें भी ज़्यादा फोकस कर लियो, कई बार उन्होंने भी क्वेश्चन बन जाता है। तो पहली बार जो फ्लैक्स पौधे तो विज्ञानियों द्वारा कपड़ा तैयार किया गया है वह है लेनन का। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है गाइस। तो तुमने अखबार भी जेकर पढ़िया होना तो खबर भी आई सी, ठीक है। तो स्पैशल फोटो भी लगी हुई सी, सो लेनन का कपड़ा जो तैयार किया गया है सो फ्लैक्स पौधे तो इसमें याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन, पंजाब सरकार ने इस कैमिकल आहाते ते पाबंदी लगा दी है जो कि ग्रुप टू एक कैंसर पैदा करने वाली समग्री वजों मने जाता है, तो इन्हों कि है गाइस वह सो है ग्लाइफोसेट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर वेख रहे हो, ग्लाइफोसेट है जो सो ग्रुप टू ए कैंसर पैदा करने वाली सो समग्री या पदार्थ वजों मने गया है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन थोड़े जे पहला हुए हुए ने बट फिर भी तुम याद रखियो। सो ये पंजाब सरकार वालों सो इस आहाते ते पाबंदी लगा दी गई है सो पूर्ण तौर पर। सो नाम है ग्लाइफोसेट, ठीक है, पदार्थ है ये, तो इस तरह पदार्थ का नाम याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन, भारत किस देश के नाल खेतीबाड़ी सेहत और वातावरण के खेतर मजबूत करने के सहयोग करता है? तो गाइस जो भारत करता है सो अपना रूस के नाल, सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होएगा, ठीक है। रूस देश के नाल सो अपना भारत खेतीबाड़ी सेहत वगैरह हो गए हैल्थ जिमें कि अपने कोई अपने मीटिंगा वगैरह होंदिया रहिंदिया ने, ठीक है, वातावरण के कामों लैके। सो यह जे डिवेलपमेंट कामों को लैके सो रूस इस तरह चर्चा करता रहता है, सो उस दिन साझेदारी बधाई गई है। सो हुण हाल ही दे विच सो महीना का पहला MOU साइन भी हुए सी, ठीक है। सो सेहत नूं लैके, ठीक है, सो अपना रूस जो सहायता करेगा सो हैल्थ डिपार्टमेंट दे विच, तो इसनूं भी याद रखना है, ठीक है गाइस। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन विच भारत द्वारा निर्धारित टीचा की है? तो गाइस जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, सो उस उत्पादन विच जो भारत द्वारा टीचा रखे गया है 2030 तक वो रखे गया है 450 GW। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सो तो 2030 तक ये टीचा रखे गए है सो रिन्यूएबल एनर्जी दे विच, सो 450 GW का। सो याद रखना क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन है, किस देश ने पशुओं के लिए विश्व का तेज COVID-19 टीका रजिस्टर किया है, यानी कि तैयार किया है? सो वो किस देश ने किया है इन्हों के? सो गाइस जिसने कि अपने साझेदारी बताई है हमने अपने क्वेश्चन डिस्कस किया सो रूस ने, सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है गाइस। सो रूस देश ने सो COVID-19 टीका रजिस्टर किया सो पशुओं के लिए एनीमल्स के लिए, तो उत्थे केस भी वेखे गया, उस तो बाद ही ये जो एक्शन लिया गया है COVID-19 टीका सो एनीमल्स के लिए, ठीक है, रूस देश ने किया है। किस स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को चांसलर अवार्ड 2020 चुने गया है? देखो मैं ताही कहना भी यह जी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, सो ज़्यादा टाइम नहीं लगना, जेकर तुम्हें एक बड़ी क्वेश्चन नहीं अखा था नहीं सो हो गया क्वेश्चन तो हमेशा लिए याद रहेगा। तो यूनिवर्सिटी को सो चांसलर अवार्ड 2020 चुने गया है, सो जिते कि सब तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ने, ठीक है, तो तुम्हें पता लग गया होना सो केरला। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है गाइस, ठीक है। सो जो केरला स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सो उसनों चांसलर अवार्ड 2020 चुने गया है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होएगा,
केरला। किस संगठन ने संकल्प से सीधी पिंड कनेक्ट ड्राइव शुरू की है? संकल्प से सीधी पिंड कनेक्ट ड्राइव शुरू की है, सो संस्था का नाम है ट्राइफेड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है गाइज, तो ट्राइफेड की फुल फॉर्म की है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, दोबारा सुन लो, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जो इसका हेडक्वार्टर है ट्राइफेड का, वो दिल्ली के ही है। ठीक है, दिल्ली के ही इसका हेडक्वार्टर है। तो गाइस जो इसके चेयरमैन ने ट्राइफेड के, सो उन्हों का नाम है रमेश चंद मीना। ठीक है, रमेश चंद मीना सो इसके चेयरमैन ने। एशिया के सब तो व्डे टूलिप गार्डन ने किस शहर के टूलिप त्यौहार का उद्घाटन किया है? तंगाई से हुई है एशिया के सब तो व्डे टूलिप गार्डन की, सो यह है श्रीनगर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होएगा। सो श्रीनगर के सब तो व्डे सो टूलिप गार्डन ने। ठीक है, सो उस जो टूलिप त्यौहार का उद्घाटन किया है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ई सेंटा एक इलेक्ट्रॉनिक सो मार्केट प्लेस है, यह किस समूह के फायदे लिए सरकार द्वारा आरंभ किया गया है? सो ई सेंटा जो आप उस पढ़े से अपने जो अपन वह आई सी सो स्कीम्स योजनावान, तो उन्होंने तुम्हें पढ़िया से, तो उन्होंने दसा मैं तुम्हें सो एक्वा किसानों के लिए। ठीक है, सो किसानों के लिए ये एक्वा किसानों के लिए ई सेंटा, जो कि ई सेंटर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मार्केट प्लेस थी। ये तो जो अपने केंद्रीय मंत्री से सो पीयूष गोयल जी। ठीक है, सो उन्होंने द्वारा सो एक्वा किसानों के खरीददारों को जोड़ने के लिए सो ये प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया गया। तो जो ई सेंटा है इसका अर्थ की है? सो ई सेंटर का अर्थ है सो जल खेती के जो भी नासी किसान ने, ठीक है, उन्होंने व्यापार को बढ़ाने के लिए सो एक इलेक्ट्रॉनिक समाधान है ये सो ई सेंटा। ठीक है, सो आई होप समझ लग गया होगा। सो यह दोबारा दस दिना, सो एक्वा किसान ने जोड़े तो खरीददार ने, सो उन्होंने जोड़ने के लिए ही प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया गया। ठीक है, तो यह जो इसका अर्थ है सो यह जल खेती के जिन्हें भी किसान ने सो उन्होंने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक समाधान है ई सेंटा। स्विच ऑन फाउंडेशन ने सौर पंप की तरक्की के लिए किस बैंक नाल साझेदारी की है? साझेदारी की है, पार्टनरशिप की आप कह सकते हैं, तय की है पी एन बी बैंक नाल। सो जिसकी फुल फॉर्म है पंजाब नैशनल बैंक। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है गाइस, सो स्विच ऑन फाउंडेशन है जो सो उसने सौर पंप की जो डेवलपमेंट वास्ते सो तरक्की वास्ते सो किस बैंक नाल साझेदारी की है? पंजाब नैशनल बैंक नाल साझेदारी की है। ठीक है, सो ये करंट का क्वेश्चन से, सो इस रीड कर लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने देश के ग्रामीण आबादी नूं ई प्रॉपर्टी कार्ड के संदर्भ में कौन योजना शुरू की है? सो ये योजना शुरू की सी स्वामित्वा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि स्वामित्व से, सो ये पीएम मोदी जी ने सो ग्रामीण आबादी नूं ई प्रॉपर्टी कार्ड के संदर्भ में योजना शुरू की सी। तो गाइज़ जो कि ई प्रॉपर्टी कार्ड है सो ये की है? सो ई प्रॉपर्टी कार्ड सो इन्हां दी वंड जो पंचायती राज दिवस के मौके पर सो पीएम जो अपने नरेंद्र मोदी जी ने सो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस राही की थी। ठीक है, तो गल आई है तो स्वामित्वा की, तो स्वामित्वा की है? सो ये संपत्ति को कर्जा तो होर जो वित्तीय लाभ लैन लई सो पिंड वासियों द्वारा, ठीक है, जायदाद वजो वरत्या गया इसनों स्वामित्वा के तौर पर स्कीम के। ठीक है गाइज, सो जो भी संपत्ति है सो उसनों कर्जा के तौर पर या होर भी अपने घर के कोई वित्तीय लाभ होंगे ने सो उन्होंने लैन के लिए सो ये पिंड वासियों द्वारा सो वित्तीय जायदाद वजो वरत्या गया इसनों स्वामित्वा के तौर पर। सो याद रखना गाइज, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशनस महासभा द्वारा किस साल में भारत द्वारा प्रस्तावित बाजरे का अंतरराष्ट्रीय साल मनाया गया है? तो कोई ना कोई जो संस्था द्वारा सो यूनाइटेड नेशनस जनरल असेंबली द्वारा कोई ना कोई जो साल है उसनों कोई ना कोई नाम दिता जाता है। सो प्रस्तावित इस बार दिता गया बाजरे का, तो वह कि साल है? सो है 2023। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, सो यह जो क्वेश्चन एग्जाम के सीधे बन जाते हैं, तो सो नाल रिलेटेड भी एग्रीकल्चर के ने, तो यही अपनी जो परखी जाती है भी सो आप करंट के कि सो ऐड रहे आप। ठीक है, याद रखियो जो 2023 में ये क्वेश्चन बन सकता है भी किसने लॉन्च किया, मतलब किस द्वारा शुरू किए गए? सो यूनाइटेड नेशनस महासभा द्वारा सो ये घोषित किया गया है सो बाजरे का प्रस्तावित 2023।
किस राज दे विच देश दा पहला वन उपचार केंद्र खोलिया गया है? इन विच स्टेट वाज द फस्ट फॉरैसट हीलिंग सेंटर ऑफ द कंट्री ओपनड। तो गाइस जो देश का पहला वन उपचार केंद्र खोलिया गया है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उत्तराखंड दे विच। सो उत्तराखंड दे विच खोलिया गया है देश का पहला वन उपचार केंद्र। ठीक है, नोट रखियो क्वेश्चन। स्वर्ण जयंती नारी स्वंबल योजना जो वो किस राज्य ने शुरू की है? असल दे विच ये हुण ने की गई, बहुत चिर पहला हो चुकी है। तो गाइज इसका राइट आंसर ए नहीं होएगा, सो अपने पंजाब ये गलत हो जाएगा। सो ये की है हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका। स्वर्ण जयंती नारी स्वंबल योजना जो ये शुरू की गई है, सो किस द्वारा? हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो गाइज ये पेंशन स्कीम है, ठीक है, औरतों के लिए जो कि 65 से 69 साल तक दी ने, सो उन्होंने लिए पेंशन स्कीम है स्वर्ण जयंती नारी स्वंबल योजना। सो हिमाचल प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा शुरू की गई है, सो याद रखना। केंद्र ने किस विभाग द्वारा विकसित मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो गाइज जो कि COVID-19 की स्थिति चल रही थी, सो उस समय यह ऐप लॉन्च की गई सी घर घर के तौर पर। सो रजिस्ट्रेशन करा के इस मोबाइल ता ही भी राशन पहुँचाया जा सके। तो जो इस विभाग है, संस्था है, सो उसका नाम है NIC। सो उसकी फुल फॉर्म है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, सो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है जो, सो ये विभाग ने सो मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ठीक है गाइस, सो याद रखना। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के प्रमुख कौन हैं? स्टार्टअप जो इंडिया सीड फंड है, ठीक है, उत्तम बीज के तौर पर कह सकते हैं आप स्टार्टअप का, तो उसके सीड फंड जो प्रमुख नियुक्त किए गए हैं हैड, सो नाम है उनका HK Mittal। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, सो HK Mittal बने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के सो हैड। नैक्सट क्वेश्चन, सो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, ठीक है, जिसते मैं स्टार लगा देव, मतलब कि उसमें चंकी तरह याद कर लेना है। भारतीय खाद निगम जिसनों आप FCI कहने के नवे चेयरमैन कौन बने ने? तो गाइज उन्हों का नाम है आतिश चंद्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, सो FCI की फुल फॉर्म भी इस ही है, सो फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये भी याद रखियो, सो FCI की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो जो इसके चेयरमैन बने ने आतिश चंद्र, सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसमें जरूर याद रखियो, आतिश चंद्र इज द राइट आंसर। किस राज ने केले का त्यौहार का आयोजन किया है? तो शायद अपने करंट का क्वेश्चन से उस भी सो डिस्कस कर लिया, तो तुम्हें याद आ गया होना, सो ये किया UP के उत्तर प्रदेश के, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है गाइस, सो केले त्यौहार का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के, सो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 किस शहर के आयोजित किया गया है? नैशनल हॉर्टीकल्चर फेयर 2021 का जो हैल्ड किया गया, सो आयोजित किया गया है बेंगलुरु के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है गाइज, तो याद रखियो, सो राष्ट्रीय बागवानी मेला जो 2021 का, सो बेंगलुरु के आयोजित किया गया। भारत के पहले CNG ट्रैक्टर का उद्घाटन किसने किया है? तो गाइज कंप्रेस्ड नैचुरल गैस जो कि CNG ट्रैक्टर का उद्घाटन किया है, सो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने, सो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। ठीक है, सो भारत के जो फर्स्ट CNG ट्रैक्टर है उसका उद्घाटन किया नितिन गडकरी जी। कर्नाटक सरकार के एग्रीकल्चर राजदूत के रूप में किस अभिनेता ने हस्ताक्षर किए हैं? तो गाइज जो कर्नाटक सरकार है, ठीक है, सो एग्रीकल्चर के एम्बेसडर राजदूत के तौर पर जो किस अभिनेता हस्ताक्षर किए गए हैं, सो नाम है उनका दर्शन, सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है गाइज, सो दर्शन अभिनेता ने हस्ताक्षर किए ने, सो कर्नाटक सरकार के एग्रीकल्चर एम्बेसडर के तौर पर। नैक्सट वेखो, एग्रीकल्चर एक्ट 2020 नामक पुस्तक लेखक कौन है? देखो एग्रीकल्चर एक्ट के तहत 2020 एक बुक लिखी गई है, ठीक है, सो उस पुस्तक के राइटर ने AK Rajan, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सो एग्रीकल्चर एक्ट 2020 जो कि बुक लॉन्च की गई है, सो उस पुस्तक के जो लेखक ने AK Rajan इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। पहला राइस ATM किस राज्य स्थापित किया गया है?
गाइज जो पहला राइस एटीएम स्थापित किया गया है सो कर्नाटक दे विच, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, सो कर्नाटक स्टेट दे विच पहला राइस एटीएम स्थापित किया गया है। किस राज ने कम्यूनिटी वन प्रबंधन के लिए कॉसफॉर्म वैबसाइट लॉन्च की है? सो देखो कॉसफॉर्म है जो, तो जो कॉसफॉर्म है सो ये वैबसाइट लॉन्च की है मणिपुर ने, तो जो कॉसफॉर्म है इस ही मणिपुर का नाम आ जाता है जो कि कॉसफॉर्म मतलब मैं दसदा। सो इस की है, सो गाइज ये कम्यूनिटी बेस्ड सस्टेनेबल फॉरैसट मैनेजमेंट फॉर वाटर रिसोर्स कन्वरसेशन इन मणिपुर है। सो इस फुलफॉर्म दसया गया मतलब की है, सो इस जो मणिपुर के जो भी अपने वाटर रिसोर्सिस लैके कमियां ने या फिर फॉरैसट मैनेजमेंट को लैके, ठीक है, सो उस प्रबंधन लैके सो इस वैबसाइट लॉन्च की गई कॉसफॉर्म। ठीक है, नाल ही इस जो मणिपुर की सो नाम आ जाता है इस वैबसाइट के, सो कॉसफॉर्म तो याद रखियो। सो एम तो तुम्हें याद आ जाएगा, सो मणिपुर। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं। देखो तो क्वेश्चन पेपर के भी यही पूछा गया है पंजाब के एग्जाम, सो अटवारी के आया से क्वेश्चन ये, खेतीबाड़ी उत्पादों का ग्रेड किवें निर्धारित किया जाता है? सो ये किया जाता गाइस, सो ग्रेड जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का सो एग मार्क से। ठीक है, सो इतने गलत हो गया, ए आएगा इतने एग मार्क। ठीक है, सो आप जिमें कि घर वगैरह के कोई सो तेल वगैरह लिया, घ्यो वगैरह लाने, सो पीपी के उपर लिखा होंगे एग मार्क। ठीक है, उसका जो ग्रेड दिता जाता है, ठीक है, खेतीबाड़ी उत्पादन का, तो तुम याद रख रहे जाएगा हूँ तो सो घर आप यूज़ करते हैं सो एग मार्क, वो सो बक्से उपर लिखा होंगे एग मार्क का, सो टैग दिता गया उन्होंने। ठीक है गाइस, सो एग मार्क इज द राइट आंसर। झूम की खेती का तरीका मनिया जाता है मतलब की है गाइस, सो कल्टीवेशन ऑफ झूम मैथड मतलब की जो कि झूम की खेती है वो असल कितने ज़्यादा देखी गई है मतलब की होंगी है ज़्यादा, सो ये देखे गए नागालैंड ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नागालैंड के खेतर के झूम की खेती का तरीका मनिया गया है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम के पूछे गए, तो मैं ज़्यादातर उन्होंने क्वेश्चन से ज़्यादा फोकस कर रहा जिड़े कि एग्जाम के पूछे जा सकते हैं, तो रिपीटड हुए हुए क्वेश्चन ने। ठीक है गाइस, रुखा दिया कतारों के अंतर फसल उगाने को की कहा जाता है? देखो आप भी देखते हैं सो रोड वगैरह के उपर, ठीक है, बाग वगैरह लगे होंगे ने जिमें कि यह बाग हो गए। ठीक है, सो इस तरह लैंड लगे होंगे ने किसी भी किन्नू वगैरह के ला लो या सेब वगैरह के कोई फल उगते हैं, तो इन्हों जो कि फसल बीजी जाए ने इतने विचाले, सो भिन्न भिन्न प्रकार दें कणक ला लिखते हो लगा लिया कोई होर फसल लगा ली, सो उत्थे यही गल हुई है भी उन्हें अंतर फसल उगाने की कहने आप, सो उस प्रणाली सिस्टम कहने तौंगया प्रणाली, सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, तो गाइस याद रखियो, सो ये सीधा एग्जाम के क्वेश्चन बन सकता है जो कि रुखा दिया, सो क्वेश्चन देखो आम जी है सो ज़्यादा औखा नहीं है, बट जो इसका नाम है याद रखना थोड़ा जहा औखा है, बट फिर भी याद रखियो, सो एक क्वेश्चन थोड़ा नंबर पक्का हो सकता है अगर पेपर के आता है। देखो जो अगर आप क्वेश्चन पढ़िए तो बिल्कुल आसान लगता अपन, आम ही आप देखते हैं सो रोड्स वगैरह के उपर जो कि फसल वगाले आ जाए ने, सो उन्होंने आप कहने आप टोंगे सिस्टम या टोंगे प्रणाली। भारत के खेतीबाड़ी को प्रभावित करने वाले मौसम का सब तो महत्वपूर्ण तत्व कौन है? तो खेतीबाड़ी को प्रभावित करने के लिए सब तो ज़्यादा जो प्रभावित तत्व मने गए गाइस, देखो सो अपने को टैंपरेचर है, सो इसका भी कोई वड्डी खास गल नहीं है, वाधा घटता रहिंदा इत्थे कोई गल नहीं है, मॉइस्चर नमी की भी कोई वड्डी गल नहीं है। ठीक है, सो ये तो आप सो कई बार ठंड बढ़ जाती कई बार हो जाती नमी थलो आ जाती है पानी वगैरह तो आ जाती है, तो हवा की भी एड्डी गल नहीं है, बट ज़्यादा है मीह की बारिश की। ठीक है, सो ज़्यादातर जो बारिश वगैरह ज़्यादा पै जाती है सो कुदरती आफत करके सो अपनी फसल प्रभावित करती है, सो उही गल इतनी हुई है। ठीक है गाइस, सो खेतीबाड़ी प्रभावित करने वाला जो मौसमी तत्व मनाया गया सो बारिश मनाया गया है रेन। जायद मौसम के उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो गाइस देखो जो कि जायद फसल है ये जायद फसल कौन सी होती है जो कि अपने आप कह दें मार्च के अपने जुलाई के विचकार जी फसल बीजी जाती ने, सो आप जमें फर आप कह दें जो खकड़ी करेला वगैरह हो गए। ठीक है, सो आप तरबूज वगैरह ला लगने, ठीक है, उन्होंने गल हो रही है, तो देखो मक्की नहीं लगाते अपना परसन नहीं लगाते सोयाबीन नहीं लगाते तो आप लगाने तरबूज, सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होएगा। तरबूज वगैरह ककड़ी वगैरह करेले वगैरह हो गए, ठीक है, सलाद वगैरह तौर पर जो आप फल फ्रूट ला लेने
ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਦ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਇਦ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਝੋਨੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਸਲ ਜਾਇਦ ਦੀ ਫਸਲ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਸੋ ਐਮ ਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਸਦਕਾਈ ਸੀ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ? ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੋ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜੋ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਢਲਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਦਲਹਨ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਨ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਗਾਈਸ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਦਲਹਨ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਦਲਹਨ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਸੰਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਬਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਸੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਗਾਈਸ, ਕਾਲਾ ਸੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਸੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਾਲਾ ਸੋਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਜੋ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੋ ਇਸਦੀ PDF ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਓਲੈਰੀਕਲਚਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਓਲੈਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਿਓ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਲਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਈਸ ਗੰਨੇ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਗੰਨਾ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਪੌਦੇ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗਾਈਸ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਉਹੀ ਹੈ ਗਾਈਸ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਸ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਫੋਟੋਟ੍ਰੋਪਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਦੁਆਰਾ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰੋਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰੋਟੀ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ
एको एक कार्बोहाइड्रेट केड़ा मौजूद हुंदा है। तो गाइज देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है, तो जेकर सीधा एग्जाम क्वेश्चन बनता देखो इस तरह ही, तो आप इन कोई तो कोई टिक लगावे तो ये कोई तो कोई कार्बोहाइड्रेट हो ही गया होगा। तो गल भी इतने देखो इको एक की पुछी है, ठीक है, तो यह मतलब ये नहीं भी इन्हें हो ही गया होगा। सो इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इस कोई नहीं, ठीक है, दुद्ध में कोई कार्बोहाइड्रेट मौजूद नहीं होंगे, ना ही माल्टोस, ना ही सुक्रोस, ना ही ग्लूकोज, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर है। दुनिया का सब तो मशहूर कीटनाशक है, तो गाइस इस बारे याद दसन की मैंने जरूरत भी नहीं है क्योंकि अपने पहले डिस्कस कर लिया इस बारे, तो उही गल है गाइस जिथे कि तुम पहले डिस्कस किया DDT, ठीक है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, DDT है जो कि दुनिया सब तो मशहूर कीटनाशक है। बट की होगा वैसे इतने थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पाता, इसी करके कहना मैं क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के बन सकता है जेकर तुम याद रखोगे। बस उत्थे भी कीटनाशक की गल हो सी, कीटनाशक इतने हो गया, बस इतने होया मशहूर दुनिया का सब तो DDT, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हारवेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी केंद्रीय खेतीबाड़ी अनुसंधान संस्थान कितने है, तो इसनों याद रख लियो। क्यों याद रख लियो गाइज, क्योंकि अपने पंजाब दे विच है, सो पंजाब दे विच कितने, लुधियाना दे विच, ठीक है, लुधियाना दे अंडर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हारवेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी केंद्रीय खेतीबाड़ी अनुसंधान, ठीक है। संस्थान दे मैं बारे बार कह रहा भी जिन्हें भी मैं दस रहा तो उन्होंने तो याद रखे रहो, बट अगर होर भी तुम्हें मिलती जानकारी तो उसनों भी याद रखियो। पंजाब मंडी बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन कौन ने, सो उन्हों का नाम है गाइस लाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। लाल सिंह ने पंजाब मंडी बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन, ठीक है, तो पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा सो एक सो एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई सी EPMB, ठीक है, सो उसका नाम ही पंजाब मंडी बोर्ड से EPMB, सो पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा लॉन्च की गई सी, सो जो कि मौजूदा चेयरमैन ने लाल सिंह। नैक्सट क्वेश्चन गाइस अपने को, MSP किनिया फसलों पर लागू होंदा है, तो MSP के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप हम इतने सारी डिस्कस कर लेंगे, सो ध्यान देना सुनते जाए। देखो पहले तो है MSP, सो MSP की फुल फॉर्म की है मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस, ठीक है, मतलब की है घट्टो घट समर्थन मुल, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है घट्टो घट समर्थन मुल इसकी फुल फॉर्म है। तो जो नैक्सट क्वेश्चन बनता जो कि MSP की सिफारिश कौन करता है, ठीक है, MSP की सिफारिश करता है CACP, ये क्वेश्चन एग्जाम के आया हुआ है भी MSP सिफारिश कौन करता है CACP, सो जिसकी फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, कास्टस एंड प्राइस, तो याद रखियो गाइस कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्टस एंड प्राइस है जो, सो MSP की सिफारिश करते हैं ये। तो हूँ गल हुई है MSP की किन्नी फसलों पर लागू होंगे, सो ये होंगे 23 फसलों पर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। सो 23 कि ने, सो इस दे विच जो अपनियां एक तो है खरीफ दी फसलां ते एक है रबी दी फसलां, खरीफ दियां दे किन्नी फसलों पर लागू होंदा है 14 फसलों पर, ते अपने एक है रबी दियां किन्ने ते 6 फसलों पर, ते एक है अपने कोल गाइस वह फसल आ जाती है जो कि व्यापारक फसल आ जाती ने, ठीक है, व्यापारक फसलों पर किन्ने होंदा है 4 ते। तो हुण तुसीं कहोगे गाइस की तो हो गया अपने कोल 24, तो 24 नहीं गाइस, सो जो कि व्यापारक फसलों के एक कॉटन फसल आ जाती है, ठीक है, सो कॉटन फसल किस ऐड की गई है, वो की गई है खरीफ के, ठीक है, तो इतनी भी एक बढ़ गई तो उ इत घट जाएगी वो तो अपने को फसल जो कि फसलों पर लागू होंगे वो 23 फसलों पर लागू होंगे, सो कॉटन फसल में खरीफ के ही ऐड किया गया, तो तुम याद रखियो, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन भी बन जाता एग्जाम किन्नी फसलों पर लागू होगा 23 फसलों पर, ये कन्फ्यूज रही है, तो लागू कौन करता है इसकी सिफारिश कौन करता है CACP, तो इसकी CAP CGP की फुलफॉर्म दस तुम्हें दस दिती है, सो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्टस एंड प्राइस, ठीक है गाइज। सो आई होप समझ लग गया होगा। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो MSP है किस तरह रखा जाता है, सो MSP है जो कि अपनी उत्पादन होंगी है, सो फसल जिन्नी भी होंगी है, ठीक है, खेत के, सो उत्पादन की लागत तो 1.5 गुणा रखी जाती है, ठीक है, 1.5 गुणा। सो एग्जाम क्वेश्चन बने जेकर सो MSP किस तरह रखा जाता है, सो उत्पादन की लागत तो 1.5 गुणा, ठीक है गाइज, आई होप समझ लग गया होगा सूँ तुम्हारा सारा क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन है,
नवार्ड बैंक की स्थापना कदों हुई सी। तो इस दे नाल रिलेटेड भी आप सारी जानकारी देखांगे। आप देखो सो गल हुई है नवार्ड की, तो नवार्ड की पहला फुल फॉर्म देख लें आप। सो नवार्ड की फुल फॉर्म है नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट। ठीक है, नैशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट, सो इसकी फुल फॉर्म है। तो गाइस सो इसकी जो स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका, 12 जुलाई 1982 स्थापना हुई सी। इसका हेडक्वार्टर कितने है? मुंबई महाराष्ट्र के, मुंबई महाराष्ट्र के इसका दफ्तर है। तो एक सीधा होर क्वेश्चन बनता एग्जाम कि नवार्ड की स्थापना से जो वो कि समिति की सिफारिश के आधार पर की गई सी। ठीक है, नवार्ड की स्थापना से जो वो समिति सी शिवरामन समिति। ठीक है, शिवरामन समिति, सो ये याद रखियो। सो क्वेश्चन बन जाता है कि जो कि नवार्ड की स्थापना सी वो कि समिति के अधीन की गई सी, शिवरामन समिति के अधीन, तो कदों की गई सी 1979 के, भी याद रखियो सन। ठीक है, 1979 शिवरामन समिति आधार पर की गई सी। आई होप तुहानू भी क्वेश्चन समझ लग गया होगा। ठीक है गाइस, नैक्सट क्वेश्चन की गल करते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी कि HRI, इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडैक्स, किस संस्था वालों बनाया गया है? तो यह किस संस्था वालों जारी किया गया है मानव विकास सूचकांक? यह किया गया गाइस, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, UNDP वालों, यूनाइटेड नेशनस डिवेलपमेंट प्रोग्राम वालों। सो मानव विकास सूचकांक HRDI ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडैक्स जारी किया गया है। ठीक है, संस्था का नाम है UNDP, याद रखे क्वेश्चन। भारत दे विच राष्ट्रीय आमदनी की गणना हेठां विचों किस दे द्वारा की जाती है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ये आने के चांस ने पूरे पूरे। राष्ट्रीय आमदन की गणना की जाती है गाइस केंद्रीय अंकड़ा संगठन के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही जो गणना की जाती है, केंद्रीय अंकड़ा संगठन के द्वारा संस्था जो। ठीक है गाइस, सो सीधा क्वेश्चन बन जाता एग्जाम, सो इदा ही। ठीक है, सो नाम याद रखियो, बुल अते वीयर शब्दावली का संबंध किस नाल है? सो बुल अते वीयर शब्दावली का संबंध है गाइस वह स्टॉक मार्केट के नाल है। ऑप्शन नंबर ए विच वेख रहे हो, स्टॉक मार्केट के नाल है बुल अते वीयर शब्द। ठीक है, बैंकिंग नाल नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट बैंकिंग नाल लगा देंगे ने, यह है स्टॉक मार्केट के नाल। एक रुपए के नोट उत्ते किसके हस्ताक्षर होंगे? हाँ, तो यह होंगे ने गाइस वित्त मंत्रालय के सचिव दे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सैक्रटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय सचिव के सैन होंगे ने एक रुपए के उत्ते। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। नैक्सट क्वेश्चन है, वित्तीय संसार के वरते जाने वाले पत्र FDI अखर है जो F वो की दर्शाता है? तो इस तरह क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्जाम। सो कई बार एक वर्ड को लैके उस तो बाद उसकी जो एक वर्ड रह जाता उसकी फुलफॉर्म पूछी जाती है। तो गाइस जो FDI है, सो इसकी फुलफॉर्म की है? सो इसकी फुलफॉर्म है फॉरिजन डायरैक्ट इन्वैसटमेंट, फॉरिजन डायरैक्ट इन्वैसटमेंट। तो इतों F की पूछी गई थी, सो F की होएगी फॉरिजन। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, सो इस तरह ही पूछी जा सकती है जिमें कि F की पूछ ली गई। सो इस बाद D की पूछी जा सकती है, D की फुलफॉर्म की है डायरैक्ट, तो I की है इन्वैसटमेंट। सो इन कोई भी पूछी जा सकती है, हम तीन याद रखियो। सो फॉरिजन डायरैक्ट इन्वैसटमेंट। ठीक है, सो इन्वैसटमेंट सब याद रखना ही। नैक्सट है, भारत का सब तो व्डा शेयर बाजार है जो हेठ लिखे विचों किहड़ा है? तो बहुत सारे ने गाइस ये क्वेश्चन पहला भी आए थे, सो इन्हें दिल्ली लगा दिता से बहुत सारे ने। सो 99% जो दोस्त अपने स्टूडेंट ने आंसर लगाया सी दिल्ली लगा सी, बट इसका आंसर से मुंबई। ऑप्शन नंबर D राइट आंसर इसका। ठीक है, सब तो व्डा पूछा इन्होंने शेयर बाजार, तो आप शेयर बाजार ज़्यादा दिल्ली की गल भी करते हैं कोलकाता की भी, बट इसके मुकाबले जो मुंबई है सो सब तो व्डा शेयर बाजार मनिया गया। हेठ लिखे विचों किसनों ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक गोल्ड के नाम ना किसान जाने जाता है? सो यह जाने जाता पेट्रोलीयम। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर है गाइस। सो पेट्रोलीयम ब्लैक गोल्ड के नाम ना जाने जाता है, सो कहा जाता है ब्लैक गोल्ड पेट्रोलीयम। इन्हों कंपनी नवरंतर कंपनी के शामिल है?
ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਗਾਈਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਗਾਈਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣਨਗੇ, ਸੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਨਵਰਤਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ MTNL, MTNL ਆ ਕੰਪਨੀ ਜੋ, ਸੋ ਨਵਰਤਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖੇਤੀ ਗਣਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਸੋ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1970। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਸਗਾਈ ਸਰ, ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਯੋਗ, ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੋ ਉਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। HYV ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼, ਜੋ ਕਿ HYV ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ, ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਮਾਰਗ ਕਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਸੋ ਟੋਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਟੋਪਿਕ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੋ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-25-30 ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਹੋਰ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗਾਈਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਉਪਲਬਧ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼। ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ। ਸੋ 5 ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਰੋਲਿੰਗ ਪਲਾਨ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਲਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜੋ, ਸੋ ਇਹ ਬਾਤ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗਾਈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੰਦਰ ਰਾਜਨ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਸੋ ਸੁੰਦਰ ਰਾਜਨ ਸਮਿਤੀ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼। ਸੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਰਾਜਨ ਸਮਿਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਮਿਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੋ ਹੈਲਪਫੁੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਵੀਡਨ। ਸੋ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਟ੍ਰਿਪਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਮਸ, ਇਹ ਪਦ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ? ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਟ੍ਰਿਪਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਮਸ, ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਜਿਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ WTO, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰਿਪਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼।
भारत में सब तो पहला किहड़े राज ने वैल्यू एडिड कर यानी कि वैट लागू किया सी? तां तुहानूं इह तां पता ही होना, सो आसान क्वेश्चन है। सो हरियाणा ने किया सी गाइज़ सब तो पहला, ठीक है गाइज़। सो वैट लागू करने वाला सब तो पहला राज सी हरियाणा। भारत में माल अते सेवा कर यानी कि जी एस टी कदों शुरू किया गया सी? तो जी एस टी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है गाइज। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो स्वयं सेवा कर सी जो कदों शुरू किया गया सी? ये किया गया सी 1 जुलाई 2017 नूं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 1 जुलाई 2017 नूं शुरू किया गया सी जी एस टी। सो अपने पंजाब दे भारत दे विच। नैक्सट क्वेश्चन आ गया अपने कोल, इन्हां विचों किहड़ी खाद नहीं है? तो 400 ऑप्शन दित्तियां गईआं ने, तो दसना इन्हां विचों अपने कोल किहड़ी खाद नहीं है। देखो पोटाश खाद तौर पर वरती जाती है, अमोनिया ते सुपर फास्फेट, ते जो खाद नहीं है नाइट्रोजन सल्फेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होएगा इसका। सो नाइट्रोजन सल्फेट है जो, सो ये खाद नहीं है गाइस। हेठ लिखिया फसलों विचों किसनों सरवण रेशे कहा जाता है? सरवण रेशे तौर पर जिसनों जाने जाता है पटसन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आम जानकारी लिए भी अपने बेहतर रहा है। सो सरवण रेशे तौर पर जाने जाता है पटसन। नैक्सट क्वेश्चन देखो, किहड़े कीट के हमले नाल जवार की फसल है जो सुक जाती है, ठीक है। सो कीट का नाम दसना अपने जिन जवार की फसल जो सुक जाती है मुरझा जाती है, तो वो जो कीट है सो नाम उसका माइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है गाइस। सो माइट जो जीव है, सो इस दे नाल जो हमले दे नाल जवार की फसल सुक जाती है, सो उसके ऊपर जा बैठ जाता है, उसनू मतलब कि रस वगैरह उस लै जाता है, तो उस बगैर तो मुरझा जाती है। सो कीट का नाम है माइट। मक्की विच नदीना नूं नष्ट करन लई किहड़े नदीन नाशकों की वरतों की जाती है? सो आप देखो रहे हैं स्प्रेयां की वरतों आम तौर पर ही करते हैं, सो उही गल आम जी गल है। सो मक्की दे विच सो नदीन होंदे जिहड़े वाधू उन्हां नष्ट करन दे लई सो नदीन नाशकों की वरतों की जाती है, सो उस दा रसायनिक नाम दस्सिया गया है एंट्राजीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है गाइस। जो कि मक्की दे विच जो कि वाधू अपने नदीन नाशक हो जाते हैं, सो उन्हां नष्ट करन दे लई एंट्राजीन वरती जाती है। मक्की की अति नवी प्रजाति है, तो देखो मक्की की एक नवी प्रजाति आई है, सो इन कि है तो वह है आजाद उत्तम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सो मक्की की अति उत्तम नवी प्रजाति है आजाद उत्तम। सो एक किस्म दसी गई है जो कि नवे बीज लॉन्च किए जाते हैं मक्की के। नैक्सट क्वेश्चन देखो, टिक्का रोग एक प्रमुख फसल का ना है? तो देखो इन वाली भी जो है ऐसे क्वेश्चन होंगे ने, इन वाली फोकस करो थोड़ा जहा। सो भी कितना किहड़ा रोग है, वो किस फसल के नाल संबंधित है? तो जो ये गाइस टिक्का रोग है ये मूंगफली संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। जिन्हें ज़्यादा हो सके सी मैं इस विच क्वेश्चन ऐड किए ने भी थोड़ा पेपर तो पहला पहला सारा सिलेबस जो कंप्लीट हो जाए, तो बहुत सारे एग्रीकल्चर लैके डाउट लै रहे थे, ठीक है। तो गाइस मैं देखो सो अपना मैं पखा बंद किया हो ए सी वगैरह सब कुछ ऑफ किया हुआ है, सो जबकि खड़का ना आए, ठीक है। सो ये थोड़ा मोटा बाहरों आ रहा होना, बट मैं फिर भी गर्मी के बीच तुहानू सो ये सारा सिलेबस करा रहा, ठीक है गाइज। तुहाडे तक सही आवाज़ पहुँचती रहे इस करके, तो हाल तक मैं एक घुट पानी तो नहीं पीता थोड़े करके भी थोड़े कोई रुकावट ना लगे, सो वीडियो तुहानू सही तरह थोड़े तक पहुँचती रहे, ठीक है। जेकर तुहानू हैल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ सो लाइक कर दिया करो वीडियो नूं, तो शेयर करिया करो दोस्तों के नाल। वध तों वध अलसी दे विच सब तो वध मात्रा दे विच पाई जाती है? अलसी वगैरह देखो जो आप घर वरतते हैं अलसी, वही कौड़ी वगैरह होंगी जी, कौड़ी होंगी वह शायद उही होंगी होनी अलसी, ठीक है। उस सब तो वह ज़्यादा मात्रा पाई जाती है चर्बी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है गाइज। सो ये तुम्हें एक नोट्स तरह समझ लियो जो तुम्हें नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सोने तौर पर ही तुम याद रखियो बस, ठीक है गाइज। वैज्ञानिक भूरी सरों का जन्म स्थान मानते हैं? वैज्ञानिक ने जोड़े सो विज्ञानी वगैरह वो पूरी सरों का जन्म स्थान अफगानिस्तान तो मांगते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। जो कि अपने खेतों के बहुत सारे घट बीजते हैं, बट अपनी जो देसी सरों बीजी जाती है जो पूरी सरों होती है, सो कितों आई है? अफगानिस्तान तो मनी गई है।
गन्ने नूं हेठां विच्चों किहड़ी जलवायु चाहीदी है? तां देखो उस दे वास्ते पुछिआ गिआ जलवायु, जलवायु दी गल होई गन्ने नूं तां उस दे वास्ते चाहीदी है गाइस देखो गर्म तर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, मध्यम गर्म तर नहीं होएगी ते ना ही मध्यम खुश्क होएगी ते खुश्क जलवायु भी नहीं होएगी। ठीक है, सो इस तरह ही तुहानूं ऑप्शन बना के दित्ती जांदी ने कन्फ्यूज करन दे लई। तां गन्ने दी लई सब तों उत्तम जलवायु है गर्म तर। छोलियां द्वारा चुलस रोग हुंदा है, देखो जिन्हें भी तुम पहले ही आख्या भी जिन्हें भी ऐड हो चुके ने मैं सौ रोगों रिलेट भी क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो छोलियां दे विच जो चुलस रोग हुंदा है वो हुंदा उल्ली द्वारा, ऑप्शन नंबर ए विच राइट आंसर है। उल्ली द्वारा हुंदा जो चुलस रोग छोलियां दे विच। नैक्सट क्वेश्चन है खैरा रोग उत्पन्न हुंदा है, इसते चार ऑप्शन दिए गए हैं, सो दो ए ने गाइस ते दो नीचे चले गए इसते हैं। देखो रोग नाल संबंधित क्वेश्चन है ये। ठीक है, मूंगफली ते जवाब दिए गए नीचे, तो दसो हुण इहदे विचों किहड़ा होएगा सो खैरा रोग दे उत्पन्न दे लई, तो हुंदा गाइस चावल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है गाइस, सो चावल इज द राइट आंसर होएगा सो खैरा रोग दे उत्पन्न दे लई। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल सोयाबीन दे विच खाद तत्तां दी जरूरत हुंदी है, तां सोयाबीन दे विच जो हुंदी है फास्फोरस दी, क्योंकि की हुंदा गाइस सोयाबीन हुंदी जिहड़ी सो आपां नूं मजबूत रखदी है अंदर, सो लोहे वर्गा शरीर बनाउण दे लई फास्फोरस बनाउंदी है, सो फास्फोरस दे विच बहुत सारी ताकत हुंदी है। ठीक है, सो फास्फोरस दे विच कई तत्तां दी जरूरत हुंदी है। ठीक है, सोयाबीन दे विच फास्फोरस इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन दी गल करदे हां, कंडी मिट्टी पंजाब राज दे विच किहड़े हिस्से विच पाई जांदी है? तो कंडी मिट्टी है गाइस ये पंजाब के हुशियारपुर के साइड पाई जाती है, सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होएगा। ठीक है, सो हुशियारपुर के विच पाई जाती है कंडी मिट्टी, तो इसको याद रखियो। सो कंडी मिट्टी देखो आप ज़्यादातर सुने नहीं है, बट ये किताब के लिखा हुआ क्वेश्चन से मैं ऐड करता तो आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं, सो ये जेकर जानकारी तुम्हें वधिया लगी है। केसर किस तो प्राप्त किया जाता है? देखो केसर जिस तो प्राप्त किया जाता है ना तो बीज तो प्राप्त किया जाता है तो ना ही जड़ तो ना ही कितों किया जाता है फल तो, फिर किस तो किया जाता है केसर किया जाता है फुल तो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है गाइज, सो केसर प्राप्त किया जाता है फुल तो, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होएगा। सो ये क्वेश्चन ने गाइज बिल्कुल आसान क्वेश्चन ने, कोई ज़्यादा औखी भाषा के विच नहीं ने। ठीक है, जो आम ही वरतों में वरतते हैं अपना, सो वो क्वेश्चन ने। नैक्सट क्वेश्चन है सफेद क्रांति के पितामा किसनों मनिया गया है? तो सफेद क्रांति आई सी गाइस, सो ब्लड क्रांति तौर पर आप फ्लड कह दें, सो 1970 के 1970 के आई सी। ठीक है, सो फ्लै अपना वाइट सी, वाइट क्रांति के तौर पर जानते हैं डॉक्टर वी कुरियन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सो ए नहीं होगा इतने बी होएगा। ठीक है, डॉक्टर वी कुरियन जाना जाता है सफेद क्रांति के पितामा वजो, सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होएगा। पौद्यां दी बीमारियां दा अध्ययन कौन करता है? देखो क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पौधे की बीमारी का अध्ययन करता है सो पौधा पैथोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो यह क्वेश्चन देखो सीधे एग्जाम के इस तरह ही बनते हैं, सो बीमारियों लैके देखो पौधे की बीमारी का रिलेटेड क्वेश्चन बने, तो इसका अध्ययन करता करता है सो पौधे का पौधा पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, सो याद रखियो, जेकर औखा लग रहा है तो तुम एक दो बारी सो वीडियो चैक कर लियो होर। ठीक है, सो एग्जाम के बहुत हैल्प देगी, देखियो सो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कृषि उड़ान स्कीम किहड़े मंत्रालय द्वारा जारी की गई? तो कृषि उड़ान स्कीम सी जी गई से नागरिक उड्डन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, तो कृषि ना आप संबंध कर देंगे खेतीबाड़ी मंत्रालय तो गलत हो जाएगा, जेकर अपने क्वेश्चन पढ़िया होंगे देखो हूँ अपने याद रह जाएगा ये, सो ये कृषि उड़ान नागरिक उड्डन मंत्रालय के नाल राइट आंसर हो जाएगा अपना। भारत के झूमिंग की काश्त किहड़े खेतरां दे विच कीती जाती है? झूमिंग की जो काश्त है जिन्हें कि सो वो कीती जाती है उत्तर पूर्वी खेतर दे विच, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उत्तर पूर्वी खेतर दे विच कीती जाती है झूमिंग की काश्त। ठीक है, याद रखियो क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन देखो स्टॉक फार्मिंग किस नाल संबंधित है? स्टॉक फार्मिंग का जो शब्द है सो किस लिए वरत्या जाता है?
ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸਟਾਕ ਫਾਰਮਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼। ਪੌਦੇ ਦੇ ਆਮ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜੋ ਪੀਐਚ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਗਾਈਜ਼, ਪੌਦੇ ਦੇ ਆਮ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੀਐਚ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ 6 to 7.5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੋ ਪੌਦੇ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੀਐਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗਾਈਜ਼, ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਆਮ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਦਾ ਗਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਖੰਜੂਰ ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਖੰਜੂਰ ਹੈ ਟਮਾਟਰ, ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖੰਜੂਰ ਹੈ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ, ਉਹ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਐਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ, ਵੀ ਜੋ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਣਕ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੈਦ ਦੀ ਫਸਲ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਬੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਕੱਕੜੀ, ਕਰੇਲਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜੈਦ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰਬੂਜ਼, ਕੱਕੜੀ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੇਖੋ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਚਾਵਲ, ਤਿਲ ਆਦਿ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਰਿਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ, ਛੋਲੇ, ਜੌਂ, ਮਟਰ, ਸਰੋਂ, ਆਲੂ ਆਦਿ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਜਾਇਦ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ, 4-5 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਖਰਬੂਜਾ, ਖੀਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਇਦ ਫਸਲਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਈਸ ਬਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਭੋਜਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਸ ਫਸਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ? ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਇਸਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਉਸ ਉੱਪਰਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਨਰੀ ਸਟੋਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੇਨ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਅਨਾਜ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਸ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੇਨਰੀ ਸਟੋਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਸੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਥਾਨ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਦੋਨੇ ਨੇ। ਗੋਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਸੋ ਗੋਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਕੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ? ਇਹ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਗਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ? ਇਹ ਸੀ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਕੁਝ ਕਾਰਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਸ਼ੀਲ ਦਾ ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ 64.5%। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, 64.5% ਜੋ ਕਾਰਸ਼ੀਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੌਫੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਫੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਆਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੌਫੀ। ਅਤੇ ਸੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾਟਕ ਕੌਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਸਦਾਰ ਫਲ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਸਦਾਰ ਫਲ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ? ਸੋ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਸਿਕ। ਨਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂੰਗਫਲੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸੋ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਈਜ਼। ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਗੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਟਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਤੇਲ ਬੀਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼, ਤੇਲ ਬੀਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੀਸਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਧੀਆ ਫਿਰ ਵੀ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੀਸਰਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਇਸ 13.67%। ਸੋ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ 13.67%। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰਸੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? 70% ਹੈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰਸੈਂਟ। ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਅਡ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਰੀਅਡ ਲੈਂਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਫਸਲਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕੁਰੀਅਨ, ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗੀਸ ਕੁਰੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੋ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਈ ਸੀ, ਫਲੱਡ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਫਾਈਬਰ ਫਸਲਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਫਾਈਬਰ ਫਸਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਪਾਹ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਜੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਬਰ ਫਸਲਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਫਾਈਬਰ ਕਪਾਹ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੰਬੀ ਜੋ ਫਾਈਬਰ ਕਪਾਹ ਹੈ ਇਸਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਯਾਤ ਇਸਦਾ, ਸੋ ਲੰਬੀ ਫਾਈਬਰ ਕਪਾਹ ਦਾ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਗਾਈਜ਼, ਸੋ ਉਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਿਸ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲੈ ਲਿਓ, ਚਾਹੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਰੀਕਲਚਰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਈਜ਼, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਸੈਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਪਾਲਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਐਪੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸ ਦੀ? ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਪੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸੋ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੀ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੀਸੀਕਲਚਰ, ਪੀਸੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੀਸੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ,
सो ये बिल्कुल आसान याद रखना क्योंकि फुलों की खेती की जाती है तो इस देखो वाजिब फुलों की आ रही है फलो फुल ठीक है इस तरह याद रख लियो। सो फ्लोरीकल्चर फुलों की खेती की जाती है। नैक्सट वेखते आप नैक्सट ने अपने को वीटीकल्चर वीटीकल्चर के अंगूरों की खेती की जाती है असल वीटीकल्चर लिखा गया। सो अंगूरों की खेती की जाती है इस वर्मीकल्चर सो धरती के कीड़े पालन की सो धरती कीड़े होंगे ने सो वर्मीकल्चर के आते हैं ये तो पोमोकल्चर के फलों का उत्पादन किया जाता है गाइज़ ठीक है पोमोकल्चर के फलों का उत्पादन तो ओलैरीकल्चर सो अपने पहला देखो डिस्कस कर लिया से उपर भी ओलैरीकल्चर के सब्जियों का उत्पादन होंगे ठीक है। सो इन कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होएगा देखियो जेकर पूछा जाता कोई भी स्टडी किस तों की जाती है तो इन ही पूछी जाती है बार बार घुमा फिरा के। नैक्सट वेखो सो अपने को तीन होर रह गए हॉर्टीकल्चर इस बागवानी की खेती की जाती है ठीक है। तो नैक्सट अपने को एरोपोटिक एरोपोटिक की होंगी है हवा के पौधे उगा एरो की है देखो एयर की तरह काम करती है एरोपोटिक जो कि हवा के पौधे उगाने की विधि है एरोपोटिक इस स्टडी की जाती इसकी। तो नैक्सट अपने को हाइड्रोपोनिक्स ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बहुत बार एग्जाम बनता है तो चांस होंगे सब तो वह बनते इसते हाइड्रोपोनिक्स क्योंकि ज़्यादातर सो बच्चों याद नहीं रहता भी हाइड्रोपोनिक्स की है बट याद रखना बिल्कुल आसान है। ये हाइड्रोपोनिक्स की होंगे इसे पानी विच सो कोई भी पौधे पैदा करना ठीक है पानी के बद रहे पौधे सो उसका विकास करना जो पानी के पैदा होंगे पोनिक्स तो पानी इस तो भी याद रह जाएगा हाइड्रोपोनिक्स सो पानी के जो पौधे स्टडी की जाती है उसको कहने हाइड्रोपोनिक्स ठीक है गाइस। सो ये स्टडी से जिन्हें कि पौधे के आधार पर जिन्हें भी सो इस सृजना की जाती है तो इन्हों सारे एक बार होर देख लियो सो इंपॉर्टेंट सारे ही। तो नैक्सट ने गाइज देखो अपने क्रांति रिलेटेड सो इन्हों के नाल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन रही है तो क्रांति नाल भी आप वेख लें सारे सारे कि क्रांति किस तरह संबंधित है। नैक्सट अपने फस्ट अपने को देखो हरी क्रांति एक संबंध से भोजन उत्पादन ये तो अपने डिस्कस कर ली। चिट्टी क्रांति ये भी डिस्कस कर ली अपने दुध के उत्पादन के नाल चिट्टा की होंगे दुध होंगे तो यह भी आसान याद रखना दुध के उत्पादन नीली क्रांति किस दिन है मच्छी उत्पादन के नाल ठीक है गाइज़। तो पूरी क्रांति किस दिन है पूरी क्रांति है खाद उत्पादन के नाल ठीक है जिन्हें भी तुम दस रहे जानकारी ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो बार बार इन्हों के कमाफ रह के क्वेश्चन बनते हैं सो इन कोई क्वेश्चन नहीं बार बनता बट इन्ना क्या है भी जिन्हें भी नोट्स दिए जाते हैं आप सारी तरह जो सारे याद करा तो इन क्वेश्चन बनते हैं ठीक है। सो चंगी तरह रट लियो इन्हों। तो नैक्सट वेखो जो अपने को है सिल्वर क्रांति इस दिता है अंडे का उत्पादन का तो एक अपने को पीली क्रांति सो इस तेल के बीजों का उत्पादन किया जाता है। तो एक है कृष्ण क्रांति इस बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है ठीक है। सो जिन्नी भी क्रांतियां ने मैं सारी लिख दी हूँ इस नैक्सट अपने को लाल क्रांति के टमाटर तो मीट का उत्पादन किया जाता है टमाटर का भी किया जाता है तो मीट का भी गुलाबी क्रांति के चीगा का ठीक है चीगा मछली होंगी जी सो गुलाबी क्रांति किया जाता है चीगा उत्पादन का। तो बदामी क्रांति के मसाला उत्पादन का ठीक है बदामी क्रांति के मसाला उत्पादन का किया जाता है गाइज़। तो नैक्सट रह गए अपने को दो वेखो सुनहरी क्रांति के उदाहरण किया जाता है फलों के उत्पादन का ठीक है सुनहरी क्रांति के। नैक्सट अपने को अमृत क्रांति ये नदी के जोड़न का प्रोजेक्ट है सो अमृत क्रांति सो किस नाल संबंधित है सो यह नदी के जोड़न का प्रोजेक्ट है ठीक है गाइज़। तो आई होप तुहानू सारी समझ लग गई होनी देखो जिन्नी भी अपने को क्रांति दी सी मैं आलमोस्ट सारिया इस एड की ने तो इन्हों दो तीन बार सो रीड कर लियो सो इन्हें तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होएगा ठीक है। सो इन्हें चंगी तरह रीड कर लियो तो बस अपनी वीडियो भी इतनी कंप्लीट होंगी है ठीक है। जेकर देखो लगभग 250 के उपर उपर सब क्वेश्चन से जोड़े डिस्कस कर लिए अपने ठीक है। जेकर इन्हों क्वेश्चन बनाऊँगा तो बहुत सारे कन्फ्यूज होते बट मैं इन्हों क्वेश्चन नहीं बनाए जिड़ी कि दिखती से क्रांति वगैरह ठीक है। तो भी सीधी तुम इन्हों याद कर लोगे तो गाइज देखो मैं हाल तक पानी भी नहीं पीता तो थोड़ा भी हक बनता इस तरह कि मैं थोड़े लिए इन्नी मेहनत कर रहा देखो पहला आप सुकरंट फेयर की थोड़े लिए क्लास अटेंड की तो हूँ देखो पेपर तो पहला पहला थोड़े लिए मैं सो खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर की नोट्स प्रोवाइड करते ठीक है गाइज़। तो जाते जाते सो एक लाइक जरूर देंदे जाए तो फीडबैक जरूर बहुत जरूरी है तुहाडा सो नीचे कमेंट बॉक्स के फीडबैक जरूर दया करो सो किसी ने भी वीडियो किवें लगी ठीक है कोई डाउट रहा किसी तरह का तो नीचे कमेंट बॉक्स जरूर दस्या करो। तो प्लीज़ सो जिन्हें भी स्टडीज़ ग्रुप होंगे ने सो उस वीडियो वो तो वह शेयर कराया करो ठीक है। तो तुहाड़ी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है तो तुहाड़ा एक लाइक ही मैं नैक्सट वीडियो के लिए मोटीवेट करता गाइस ठीक है। तो वीडियो प्लीज़ वो तो वह शेयर कराया करो ठीक है। तो कोई चक्कर नहीं जेकर वीडियो नहीं पसंद आती डिसलाइक कर दिया करो कोई दिक्कत वाली गल नहीं है
बट अपना रिस्पोंस जरूर दिया करो, है ना। तो मैनू भी पता लगता रहे भी कि वीडियो रिस्पोंस आ रहा है, सो कि अपनी मेहनत रंग लिया रही है, ठीक है। ताही तो ही सो वीडियो अगे प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है गाइज। तो अपनी दो क्लासा देखो मैराथन के तौर पर हो चुकिया ने, तो नैक्सट आप कर लेंगे एक जीके की क्लास। हूँ अपनी जीके की क्लास रहेगी, सो आप सो वो भी 3-3.5 घंटे तौर पर करा, सो इंडिया जीके तो पंजाब जीके तौर पर, ठीक है गाइज। सो समा रही आप क्लास भी थोड़े लिए दे देंगे। तो इस वीडियो सो वो तो वेयर दौ, वो तो वेयर शेयर करो, ठीक है। सो ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।